हमारे चैनल और मेरा नाम फिर दोस्तों आज चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही लाजवाब ट्रिक्स के बारे में दोस्तों, जो आज बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैलेंडर में अपना फोटो कैसे लगाएंगे और अपना नाम कैसे लिखेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे कैसे करना है क्या आपको मैं बताता हूँ। चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना होगा 2017 कैलेंडर फोटो फ्रेम। यहाँ पे 100,000 डाउनलोडिंग और 4.2 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इसको कर लीजिएगा इंस्टॉल। भाई नीचे कुछ इसके इंटरफेस वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे रिव्यूज वगैरह आप चेक कर सकते हैं। आइए चलिए ओपन करते हैं दोस्तों। और ओपन करने से पहले दोस्तों एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन उसको दबा कर बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं दोस्तों, इससे क्या होता है कि समय समय से मेरी नई नई वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए चलिए दोस्तों ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ आएगा इस तरह का इंटरफेस, जो आप देख सकते हैं। अलाउ कर दीजिएगा टोटली यहाँ से, और यहाँ से अलाउ करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं रेट नाउ, रिमाइंड मी लेटर और नो थैंक्स। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो नो थैंक्स लिखा है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर जो दिखा रहा है दोस्तों टैप टू स्टार्ट, इस पर करना होगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सामने आपके कुछ इस तरह के आ जाएंगे इंटरफेस, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे करना है क्लिक। बीच में जो देख रहे हैं बड़ा सा गोल सा दिखा रहा है, यहाँ पे क्रिएट पे इस पर कर दीजिएगा क्लिक। तो क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ आएंगे जाएंगे यहाँ पे फ्रेम, यहाँ पे इस तरह के आप देख सकते हैं, जो काफ़ी यहाँ पे अच्छे अच्छे यहाँ पे आ जा रहे हैं फ्रेम। तो अपने अनुसार दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देख लीजिए पूरा 2017 के जितने महीने हैं टोटली यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अक्टूबर महीना, और अक्टूबर महीना यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे मिल जाते हैं तमाम तरह के यहाँ पे टूल्स, देख सकते हैं फ्रेम है, गैलरी है, ओवरलेज है, स्टिकर है, टेक्स्ट है, सेव है एंड माई वर्क है। तो दोस्तों मैं एक ही कैज बताऊंगा किसका क्या है, जो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों मैं फ्रेम के बारे में आपको बता चुका हूँ, 12 तरह के फ्रेम है हर मंथ के, कोई भी एक फ्रेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बगल में जैसे गैलरी, चलिए गैलरी में चल के कोई भी एक अच्छा सा इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक इमेज ले लिया है, और इसको आप अपने अनुसार छोटा बड़ा करके यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बगल में जाता है ओवरलेज, ओवरलेज पे करके क्लिक, आप फोटो में कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं और इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इतना रहने देता हूँ। और यहाँ से बगल में जाता है दोस्तों स्टीकर, तो कोई भी एक स्टीकर आप यहाँ पर ले कर सेट कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों मैंने स्टीकर ले लिया और यहाँ पर इसको रख दिया, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप दे सकते हो। यहाँ से जैसे मैं अपने चैनल के यहाँ पर नाम दे देता हूँ, एंड्राइड जंक्शन। यहाँ पे दोस्तों मैंने देख यहाँ पे डन कर दिया। और यहाँ से दोस्तों कलर वगैरह आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कलर ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे नाम अपना कोई भी यहाँ पे डाल सकते हो, अपने अनुसार कहीं भी लगा सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर रन देता हूँ इसको। और यहाँ पर बगल में जाता आपको दोस्तों सेव का ऑप्शन, तो सेव पर आप कर दीजिए क्लिक। और सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो इमेज यहाँ पर सेव हो जाएगा आसानी से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है माई वर्क, तो माई वर्क में जाने के बाद दोस्तों जो आप अपनी फाइल यहाँ पे सेव कर रखी है वो आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इमेज सेव कर रखा हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसको आप अपने अनुसार यहाँ पे इसको शेयर वगैरह भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया ऊपर, देख रहे हैं आप यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि इस ट्रिक से आप संतुष्ट होंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलेगा। दोस्तों तो आपको मन में कोई बेल चलो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।